खबर जनपद हरिद्वार के मंगलौर से है, जहां मौसम विभाग द्वारा मानसून जल्द आने की चेतावनी के बाद किसानों को चिंता सताने लगी है। आपको बता दें, पिछले वर्ष आई मानसून हरिद्वार जनपद के किसानों के लिए आफत बनकर आई थी। भारी बरसात के चलते किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इसी को लेकर मंगलौर क्षेत्र के दर्जनों गांव के प्रधानों ने तालाब की सफाई किए जाने की मांग को लेकर नारसन विकासखंड कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही किसानों और ग्राम प्रधानों को चेतावनी दी कि जल्द ही नालों और तालाबों की सफाई के प्रस्ताव को पास कर कार्य किया जाए। तक अब बरसात आने की 30 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी और एक नाले में खुदाई नहीं चली और पिछले साल किसानों की 50% फसल जो मर गई, तो 1 करोड़ गन्ना सुगर मील पेड़ था आपका 60 लाख पेड़ा, तो किसान तो यहाँ भूखा मर गया। आज इसमें ना दवाई के देने के पैसे ना कुछ। अरे सरकार झूठा ढोंग करो, विकास कर फलाने कर किसानों का। नाले खुदाई बंद कर दी, पाइपलाइन बंद कर दी, 3 साइड जो गरीबों की थी वो बंद कर दी। ये विकास है विनाश है? तो हम जहाँ हम तो कहें समस्या है। आप पिछले वर्ष की भांति इस साल भी जो मानसून है वो जल्दी आ रहा है और ज़्यादा बारिश बताई जा रही है वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से। हम लोग इनको प्रस्ताव देते देते थक चुके। पिछले साल जो है नाले खाले साफ ना होने की वजह से, तालाबों के साफ ना होने की वजह से बहुत हानि हुई है और इस बार फिर अंतागवत्ता वही होने जा रहा है। लेकिन इनके जो प्रशासन है यहाँ का, इनके कानों पर जू नहीं रेंगती है। हमारी यही प्रमुख मांगे थी कि जल्द से जल्द जो है बरसात से पहले नाला सफाई किया जाए और तालाबों की सफाई की जाए, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए थे। अध्यक्ष जी के साथ श्री संजय चौधरी के साथ जो शिष्टमंडल मुझे मिलने आया था, इनकी डिमांड है कि गांव में बरसाती जो खेतों में बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई करने के लिए। उनका कहना है कि मनरेगा से ऐसे प्रारंभ कराओ तो मनरेगा में यह सफाई का कार्य बंद हो चुका है। किंतु मैंने सभी संगठनों के माध्यम से जो लोग आए हैं उनको बता दिया कि आप अपनी सूची दें, इसे मैं जनपद को भेजूंगा, जनपद से स्वीकृति मिलने के बाद हो जाएगा और ग्राम प्रधान 15 वित्त से नालों की सफाई कर सकते हैं, ये स्वतः ही कर सकते हैं।